नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। श्रावण मास के बाद आज सोमवार को भादो की पहली सवारी निकाली गई। भादो में दो सवारी निकलेंगी, जिसके बाद शाही और अंतिम सवारी निकाली जाएगी। महाकाल बाबा चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और बाबा ने अपने भक्तों को आज होलकर रूप में दर्शन दिए। बाबा की सवारी के दर्शन कर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी तरह महाकाल बाबा भी, जो भक्त पूरे श्रावण और भादो मास के दौरान मंदिर आकर उनके दर्शन नहीं कर पाते, तो बाबा स्वयं चांदी की पालकी में सवार होकर उन्हें दर्शन देने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते हैं। पूरे रास्ते भर महाकाल बाबा की सवारी का श्रद्धालु स्वागत करते हैं। शाम को 5 बजे सवारी छिप्रा नदी के रामघाट पहुंचती है और वहां पर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया जाता है और सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हो जाती है। करीब 7:30 बजे बाबा की सवारी महाकाल मंदिर पहुंचकर समाप्त होती है। काफी सालों से आ रहा हूँ महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए और ये सावन मास की 4 सवारी के बाद में भादो मास की पहली सवारी थी। इसके बाद एक सवारी और महाकाल की निकलेगी और बड़ा आनंद आता है सवारी में। मैंने तो अंदर से दर्शन करे थे गणपति मंदिर के, वहां से महाकाल की सवारी के दर्शन करते। बाकी 5 मुकुटे बता रहे हैं, 5वीं सवारी है जो हम लोगों ने पहली सवारी से व्यवस्था की थी। लगभग वही सब व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा रश कम है आज, श्रद्धालुओं की संख्या कम है। अब इसके बाद वाली सवारी में थोड़ा बैरिकेडिंग और स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उसमें काफी रश रहता है, काफी श्रद्धालु आते हैं उसमें। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आज के साथ।